पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। शुभम फर्नीचर मेन रोड गढ़वा, वर्कशॉप चिनिया रोड गढ़वा, दीवान पलंग सोफा सेट आदि के लिए संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य मंगलवार की रात्रि 8 बजे अपने देश के नागरिकों से संबोधन के दौरान समूचे देश के शहरों से लेकर गांव के गली मोहल्ले तक को 21 दिनों तक पूरी तरह लॉकडाउन किए जाने की घोषणा पर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय का स्थानीय बाजार पूरी तरह बंद रहा, लेकिन कुछ वाहनों की आवाजाही होती रही। वहीं इक्के दुक्के लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मिले निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार भारती, ओपी प्रभारी जग नारायण शर्मा लॉकडाउन को लेकर किए विधि व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट उपेंद्र कुमार रवि, धर्मेंद्र कुमार यादव आदि विशेष चौकसी बरतते हुए बड़गढ़ में स्थापित चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले लोगों की गहनता से जांच कर रहे थे। वहीं सभी लोगों से अपने घरों के अंदर रहने का सख्त निर्देश पदाधिकारियों ने दिया। लॉकडाउन को देखते हुए प्रखंड के टेहरी पंचायत अंतर्गत बरकोल गांव में लगने वाला आज शकिया साप्ताहिक हाट भी पूरी तरह बंद रहा। सरकार के निर्देशों को ध्यान देते हुए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। वहीं सुदूरवर्ती गांव से बाहर काम पर लौटे मजदूरों की वजह से कुछ गांव के लोगों में दहशत का भी माहौल है। प्रखंड प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर बाहर से आने वाले लोगों को तत्काल जांच के लिए भंडरिया स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़गढ़ बीडीओ विपिन कुमार भारती ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी लोग अन्य राज्यों से काम कर लौटे हैं, जब तक वह अपना स्वास्थ्य जांच नहीं करा लेते हैं तब तक समाज एवं परिवार से दूरी बनाकर रहें। इस महामारी से बचने का एकमात्र एक ही यही विकल्प है, लोगों से दूरी बनाना, जो घर के अंदर रहकर की भी पाना संभव है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।